भाजपा कांग्रेस प्रभारी की मायावती, कहा धर्म की राजनीति कर देगी देश को बर्बाद। दरअसल मायावती 2024 के लोकसभा एवं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे सबसे बड़े हिंदुवादी पार्टी होने के दिखावे को लेकर भड़क गईं और कहा इन दोनों पार्टियों की सबसे बड़ी हिंदू होने की लड़ाई देश को अंधकार में लेकर जा रही है। अन्य धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं जो संविधान के मंशा के विपरीत है। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। अब मायावती की ये प्रेस रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर हैं। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है।